प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। लोकसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और इसमें उन्होंने राजस्थान की हर विधानसभा से शामिल होने वाले लाखों लोगों का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और LPG जैसे विकास कार्यक्रमों का है, जो राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देगी। पीएम ने कार्यक्रम में कहा कि कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति का अपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत समेत फ्रांस में भी हो रही है। यही तो राजस्थान के लोगों की खासियत है। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली देना। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं, क्योंकि मोदी इसे बढ़ावा देता है। ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते, क्योंकि मोदी इसके लिए आग्रह करता है। जब भारत 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनता है, तो पूरे देश को खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती। वही उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सिर्फ चर्चाएं होती थी, घोटाले और बम विस्फोट की। भारत के लोग सोचते थे कि उनका और देश का क्या होगा। आज भारत के पास ये स्वर्णिम कालखंड आया है। भारत के पास वो अवसर आया है, जब वो 10 साल पहले की निराशा को छोड़कर अब पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था। तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा, जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नौकरी बच जाए। कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए सौरमय टाइम्स के साथ, और मैं थी आपके साथ आकांक्षा।